उसी तरीके से मान लो हमें कॉस इनवर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है ना, कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करेंगे, बताया था ए कॉस यूज करना है, साइन इनवर्स के लिए क्या यूज करेंगे, ए साइन यूज करना है, टैन इनवर्स के लिए ए टैन यूज करना है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखो सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है, रोल मैट्रिक्स एक मिनट, सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। यदि हम लोग एक्सप्रेशन लिखने के बाद एक सेमी कॉलन लगाते हैं तो देखो क्या आ रहा है, सेमी कॉलन है, इसके बाद एक लगाओ, एक मिनट, ठीक है। अभी हमारा क्या है, वर्क स्पेस में थीटा नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन में जब हम लोग एक सेमी कॉलन लगाएंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या हुआ, कोई भी रिजल्ट इसमें नहीं आया, ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन के बाद यदि हम लोग सेमी कॉलन लगाएंगे तो क्या है, स्क्रीन पे कोई भी रिजल्ट हमारा शो नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, वर्क स्पेस में वो वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क स्पेस में देखो, पहले हमने थीटा हमारा वर्क स्पेस में नहीं था, अभी क्या है कि वर्क स्पेस में हमारा थीटा वेरिएबल जो है वो आ गया है, और उस थीटा वेरिएबल के अंदर क्या है कि हमारा जो आंसर है वो सेव्ड है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जब हम लोग क्या है कि कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ जो हमारा आंसर आए वही जो है स्क्रीन पे दिखे, बाकी चीज स्क्रीन पे नहीं दिखे। तो उस केस में क्या होगा कि हमें एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या है, सेमीकोलन डालना होगा, ठीक है। और मान लो कि कोई स्टेप का हम चाहते हैं कि आंसर हमारा स्क्रीन पे आए, तो उसके लिए वहां से क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन को हटा लेना पड़ेगा, ठीक है।